Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. सिकंदर साहब ने जब दरवाज़ा खोला तो घर की दहलीज पर कोहनियों से ज़रा नीचे आस्तीने चढ़ाए सफ़ेद शर्ट और गहरे नीले रंग की पैंट में मलबूस एक नौजवान खड़ा था। उसने नहायत गर्म जोशी के साथ कहा, अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम अमान है, आई एम हियर फ्रॉम कनेक्ट हब। सिकंदर साहब ने अपना चश्मा सीधा किया और बड़े गौर से अमान का सर से लेकर पाँव तक जायज़ा लिया और फिर कहा, वालेकुम अस्सलाम बरखुरदार, तुम्हारे नेम टैग पर लिखा हुआ है कि तुम कहाँ से आए हो। जी सर, आपकी कोई कंप्लेन थी? कंप्लेन मेरी नहीं, मेरे कंप्यूटर की थी। अंदर आओ। जी थैंक यू सर। घर का अंदरूनी हिस्सा बहुत खूबसूरत था। अंदर दाखिल होते ही एक वसी और हवादार लाउंज था जिसकी दीवारें और पर्दे हल्के रंग के थे और फर्श पर मोजाइक बिछी हुई थी। लाउंज के एक तरफ सोफे रखे हुए थे और दूसरी तरफ खाने की एक गोल मेज और चार कुर्सियां रखी हुई थीं। घर बहुत रोशन तो था लेकिन उसमें रौनक नहीं थी। ये देखकर अमान ने पूछा, यू हैव अ ब्यूटिफुल होम सर, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? इस सवाल पर सिकंदर साहब ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, मैं ये घर तुम्हें किराए पर तो नहीं दे रहा ना, फिर क्यों पूछ रहे हो? चाहे मैं यहाँ अकेला रहूँ या पूरे मोहल्ले के साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अमान ने कमरे के कोने में रखे हुए एक पुराने डेस्कटॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं नहीं सर, प्रॉब्लम तो इस कंप्यूटर में है ना, लेट मी टेक अ लुक। अमान ने जैसे ही आगे बढ़कर चेयर पर बैठने की कोशिश की तो सिकंदर साहब ने उसे टोकते हुए कहा, नो डोंट सिट ऑन दैट चेयर, बैठना है तो उस स्टूल पर बैठो। उनका उखड़ा हुआ चेहरा देखकर अमान ने कहा, ओके सर, श्योर श्योर, आई एम रियली वेरी सॉरी। अमान ने स्टूल पर बैठकर कंप्यूटर ऑन किया और प्रोग्राम्स एक्सप्लोर करने लगा। कुछ मिनटों बाद अमान को इस बात का एहसास हुआ कि सिकंदर साहब बिल्कुल उसके बराबर में खड़े होकर टिकटिकी बांधकर उसे देख रहे हैं। सर, मुझे इस कंप्यूटर को पूरी तरह एक्सप्लोर करने में, चेक करने में थोड़ा और वक्त लग जाएगा, अगर आप कुछ और कर रहे थे तो प्लीज़ कंटिन्यू, मुझे मशवरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम ही कर रहा हूँ, तुम अपने काम पर फोकस करो। सर, वो क्या है ना कि माशाल्लाह से आपकी पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक है कि मेरा ध्यान बार बार आपकी तरफ जा रहा है, इफ़ यू डोंट माइंड क्या आप प्लीज़ बैठ सकते हैं। इस मासूम दरख्वास्त पर सिकंदर साहब बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चले गए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला उठो, तुम यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो और वहाँ बाहर से कोई आता है तो दरवाज़ा खोलने के लिए भी मुझे ही जाना पड़ता है। सिकंदर साहब की इस डांट पर उनका मुलाजिम आंखें मलता हुआ बिस्तर से खड़ा हुआ और हैरत से पूछने लगा, क्यों चचा, क्या हुआ? हाय, कोई आया है क्या? उठकर चाय बना रहे हो या वो भी मैं ही बना लूं? 10 मिनट बाद एक कमसिन लड़का ट्रे में चाय का कप और बिस्किट्स लिए बाहर आया और अमान से कहने लगा, बड़ा सख्त मिजाज है चचा का, 70 साल के हो गए हैं लेकिन मास्टरी की आदत अभी तक नहीं गई। खैर, अच्छा भाईजान, आप इंजीनियर हो ना? ये मेरा मोबाइल आजकल चलते चलते रोज अटक जाता है, मैं इससे अपनी माँ को कॉल करता हूँ, वो वहाँ गांव में रहती है ना, आप प्लीज जरा इसको देख दो ना। इससे पहले कि अमान बेचारे अब्दुल्ला को कोई जवाब देता, सिकंदर साहब वहाँ आ गए और उन्हें देखकर वो वहाँ से 9:45 हो गया। सर, मैंने आपका कंप्यूटर थॉरली एग्जामिन कर लिया है, इसकी इंटरनल हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड दोनों ही डैमेज हो गए हैं, अब ये ठीक नहीं हो सकता। ये सुनकर सिकंदर साहब का चेहरा और भी संजीदा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने पूछा, सिर्फ 2 पार्ट ही तो खराब हुए हैं ना, इस जमाने में तो इंसानों के पार्ट बदल दिए जाते हैं, तो फिर इस कंप्यूटर के क्यों नहीं? इस शिकायत पर अमान ने उन्हें समझाया, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन एक मरे हुए इंसान के पार्ट तो नहीं बदले जा सकते ना, इस कंप्यूटर की सर्जरी का नहीं, फ्यूनरल का टाइम हो गया है।
अमान की इस हाजिर जवाबी पर सिकंदर साहब ने कहा, तुम मुझे ना जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट लगते हो। अब ये बताओ कि क्या किया जा सकता है। सर, मैं कंपनी में जाकर पता लगाता हूँ। आई एम श्योर जरूर कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। सिकंदर साहब को ये तसल्ली देते हुए अमान ने उनका शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। कहानी ने आगे क्या मोड़ लिया, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले हिस्से का।